नांदेड़ के मदरसे दारुल तौहीद गाड़ेगांव की जानिब से एक तहनियती जलसा मुनक्किद हुआ। खतीजा फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस जलसे में एसएससी कामयाब तलबा को इनामात से नवाजा गया। मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले उन तलबा को दीनी तालीम मदरसे दारुल तौहीद में हुई है। तकरीबन 70 तलबा को कामयाबी पर एजाज से नवाजा गया। इस तहनियती जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शाहीन एकेडमी नांदेड़ के डायरेक्टर अब्दुल हई हमीद, एजुकेशन और ऑलोट्री के डायरेक्टर अब्दुलख, धर्माबाद उर्दू स्कूल के मुदर्रिस मोहम्मद बिखारुद्दीन, यशवंत कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर, जबकि निज़ामबाद से मुकर्रर खुसूसी की हैसियत से फजीलतुल शेख मोहम्मद रफ़ीक नदवी ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के हाथों तलबाओं को इनामात से नवाजा गया, तहनियत पेश की गई। मुकर्ररीन ने अपनी तकरीर में तलबा को मुस्तकबिल के रहनुमाई की। एसएससी में 85% से ज़ायद नंबरात हासिल करने वाले तलबात और तलबात को शाहीन एकेडमी में दाखिले और तालीम मुफ्त देने का ऐलान भी किया गया। मदरसे के इंतजामिया ने ऐलान किया कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए हर साल इस तरह की तहनियती जलसा लिया जाएगा। वहीं 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए हर इतवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दीनी तालीम का नज़्म भी किया गया है। जलसे की निज़ामत फजीलतुल शेख अब्दुल खालिक ने अंजाम दी, जबकि जलसे को कामयाब बनाने में अब्दुल रज़ाक और मुतलकीन और मौलिमात ने बड़ा अहम रोल अदा किया। आज मदरसा दारुल तौहीद में बच्चों का परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत किया है, बहुत खुशी हुई बच्चों के परफॉर्मेंस को देख करके। उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चल करके कौम का और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। दरअसल दुनिया के अंदर अगर कोई ताकत है तो वो इल्म की ही ताकत है। इल्म की ताकत के ज़रिए ही यहाँ का जो दलित और पिछड़ा समाज है उसको सामान्य नागरिक का एक सम्मान मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश के संविधायक के रचनात्मक हैं या उसके विधाता हैं, उसके बनाने वाले हैं, वो इल्म के ज़रिए ही अपने समाज को भी और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का एक बेहतरीन मौका और सबको इंसाफ और सबको अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीने का मौका दिया है। तो इल्म ही बहुत बड़ी ताकत है। इल्म से अगर हम अपने बच्चों को जोड़ते हैं और इल्म से रोशनास करवाते हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दुनिया में भी इसका नाम रोशन होगा और ये हमारे बच्चे कल के इंशाल्लाह हीरो बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इल्म की कद्र करने, इल्म की फ़िक्र करने और इल्म को फैलाने की तौफीक अदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मदरसा दारुत तौहीद के ज़ेर अहतमाम ये दहम के कामयाब तलबा और तालिबात के लिए तहनीती जलसा रखा गया था। तो बड़ी खुशायंद कोशिश है, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने हम इस सलम इलाके में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को आगे किस तरह से उनकी तालीम में रहनुमाई की जाए उसका भी गाइडेंस किया गया और आगे के मौके, आगे के आला तालीम के मौके भी किस तरह से हासिल हो सकते हैं उनको, इस पर भी उनकी रहनुमाई की गई है। तो मौलाना अब्दुल खालिक साहब का ये बहुत अच्छा इकदाम है और इससे इंशाल्लाह कौम में एक मुस्बत तब्दीली आएगी। मैं अब्दुल खालिक आलियावी, सदर मुदर्रिस मदरसा दारुत तौहीद गाड़ेगांव रोड नांदेड़, अपने चंद मुखलिसीन और मुहब्बीन और मुआविनीन के ताउन से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमात दहम के कामयाब तलबा तालिबात के लिए एक तहनीती तकरीब का इनेकाद किया खदीजा फंक्शन हॉल के अंदर। मकसद ये है कि बच्चे दोनों तालीम से मुनव्वर हो सके। दीनी तालीम तो अब तक हम दे ही रहे थे, साथ ही साथ असरी तालीम से रोशनास कराना मकसूद था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी मिल रही है। लोगों ने हमारा ताउन किया, सपोर्ट किया, सबको सबके लिए मैं जज़ाकल्लाह खैरन फासनल जज़ा मैं बोलता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप हमारा साथ देंगे। और ख़ास तौर से इस इलाके के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी और असरी दोनों तालीम से पीछे नहीं हटाना है, पूरी तालीम देना है। उसके लिए हमसे जो भी ताउन हो सके आप हासिल कर सकते हैं।
और हमारे मुआविनीन से हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर से शाहीन अकेडमी के सदर अब्दुलहीद सर से, जो हमारे मजलिस के रूही रवा रहे, जिनके मुआविन से ताउन से हमारा ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। लिहाजा हम तमामी हज़रात से गुजारिश करते हैं कि तालीम से पीछे ना हटें बल्कि आगे बढ़ें, कदम बढ़ाते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। अस्सलामु अलैकुम। जमात दहम में कामयाब तलबा व तालिबात और औलिया तलबा को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनके बच्चों ने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की। साथ ही मैं मदरसा दारुत तौहीद के इंतज़ामिया जनाब अब्दुल खालिक साहब और साथ ही साथ शाहीन अकेडमी के अब्दुलहीद सर का मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चों की हौसला अफजाई की। इंशाल्लाह मैं इन लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह के इंशाल्लाह वो अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेंगे और तलबा की हौसला अफजाई करेंगे। माई नेम इज़ आमिना सदफ़ मोहम्मद सिकंदर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। आई गॉट 90% इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से मदरसा दारुत तौहीद ने मुझे इनामात से नवाजा और हमारा प्रोत्साहन किया, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और इसमें ये मदरसे का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ती थी और मेरे वालिदैन का भी। थैंक। मेरा नाम है ज़ेबा बेगम मोइन बेग और मैं अल्लामा इकबाल स्कूल से पढ़ती थी। मेरा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया और मुझे 84 मार्क्स आए हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। इस मुकाम तक पहुँचाने में हमारे बहुत से लोगों का हाथ है, हमारे टीचर, हमारे वालिदैन, उन्होंने हमें पढ़ने दिया, हमारा साथ दिया, इसलिए हम इस मुकाम तक पहुँचे। अगर वो ना होते तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। और मैं दारुत तौहीद का भी शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इन इनामात से नवाजा। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं 10वीं का इम्तिहान पास कर गई हूँ। ये सब मेरे वालिदैन और असातिज़ा के वजह से मुमकिन हो सका है। अगर ये नहीं होते तो पता नहीं मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने वालिदैन और टीचर्स असातिज़ा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ। और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।